आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में आग लगी हुई है। पेट्रोल की कीमत कहीं 100 के पार जा चुकी है तो कहीं 100 पहुंचने ही वाली है। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। एक वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी है, माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है, जो गरीब हैं। पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ाया है ये पूरी तरह से महंगाई बढ़ाने वाला कदम है। ये सरकार आम लोगों को धोखा दे रही है। पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा।